महिला शरीर के बारे में जानकारी औरत भगवान की बनाई हुई एक अनोखी रचना है, और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि किसी भी महिला को पूरी तरह से समझना अपने आप में एक मिस्ट्री है। वुमेन बॉडी सबसे जटिल रचनाओं में से एक है। महिला और पुरुषों की बॉडी एक दूसरे से काफ़ी अलग होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं के शरीर में ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसे एक पुरुष ना कभी महसूस कर सकता है और ना ही समझ सकता है। एक फीमेल बॉडी के अंदर ना जाने कितने राज हैं, वो शायद ही किसी को पता हो, और इनसे जुड़े कई सारे ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको फीमेल बॉडी से जुड़े कुछ ऐसे अनोखे तथ्यों और रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप अभी तक अनजान होंगे। चलिए जानते हैं वुमेन बॉडी इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ ऐसे टॉपिक। फैक्ट नंबर 1, सिल्की हेयर। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के बालों की मोटाई आधी ही होती है, जिनके बाल चिकने भी होते हैं। यही वजह है कि स्त्रियों के बाल रेशमी और मुलायम लगते हैं। यही नहीं, किसी महिला के बालों की क्वालिटी से उसकी रिप्रोडक्शन क्षमता का भी पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, यानी बालों की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतनी ही आने वाले बच्चे की सेहत और सुंदरता अधिक होगी। फैक्ट नंबर 2, हाई इम्पैक्ट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल कैपेसिटी की अगर बात करें तो एक मर्द किसी भी महिला की तुलना में ज़्यादा शराब पी सकता है। यह बात पूरी तरह सच है, लेकिन दोस्तों ऐसा होता क्यों है? महिलाओं के शरीर में पुरुषों के मुकाबले पानी की मात्रा कम होती है। इसकी वजह से शराब पीने के कारण महिला के शरीर में इसका असर पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होता है। शरीर में पानी कम होने की वजह से एल्कोहल को डाइजेस्ट करने की क्षमता थोड़ी कम होती है, और इतना ही नहीं, टिश्यूज में पानी कम होने के कारण औरतों को मर्दों के मुकाबले पसीना भी कम आता है। फैक्ट नंबर 3, वुमेन बॉडीज कीप चेंजिंग। वैसे तो यह माना जाता है कि एक स्त्री के शरीर में बदलाव किशोरावस्था तक आने खत्म हो जाते हैं, और इसके बाद उनकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। लेकिन विज्ञान की माने तो सच कुछ और ही है। जी हाँ दोस्तों, एक स्त्री का शरीर अपने 20 साल के बाद भी पूरी तरह बदलने में सक्षम होता है। सिर्फ शरीर ही नहीं, लेकिन महिलाओं के दिमाग में भी काफ़ी बदलाव 20 साल के बाद आते हैं। यही वजह है कि वक्त के साथ साथ महिला की डिसीजन एबिलिटी बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 4, स्ट्रॉन्गर अटैचमेंट। अगर रिश्ते की बात करें तो हमेशा यही देखा गया है कि औरत रिश्ते बनाने में और उन्हें निभाने में माहिर होती है। इसी वजह से ज़्यादातर रिलेशनशिप में महिलाएं ज़्यादा वफादार होती हैं। एक औरत किसी भी रिश्ते में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती है। दोस्तों विज्ञान के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में ऑक्सीटोसिन और हॉर्मोन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। ऑक्सीटोक्सिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, रेशनल थिंकिंग। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा तर्कवादी होती हैं। ज़्यादातर महिलाएं पुरुषों के मुताबिक ज़्यादा इमोशनल भी होती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पुरुष मस्तिष्क की तुलना में महिला मस्तिष्क में बहुत अधिक सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, जिसकी वजह से उनका दिमाग हमसे ज़्यादा तेज चलता है और ज़्यादा बुद्धिशाली भी होती हैं। फैक्ट नंबर 6, अनइक्वल ब्रीस्ट साइज। वैसे तो महिलाओं के ब्रीस्ट दिखने में एक जैसी लगते हैं, लेकिन हकीकत में दोनों ब्रीस्ट की साइज एक दूसरे से अलग होती हैं। दोस्तों ऐसा होने के पीछे कई सारे कारण हैं, जैसा कि दोनों के ब्रीस्ट टिश्यू के वॉल्यूम में कोई फर्क होना या ब्रीस्ट पॉकेट का छोटा या बड़ा होना आदि। फ्लेक्सिबिलिटी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो एक महिला किसी भी पुरुष के मुकाबले ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फीमेल बॉडी में एक पुरुष से ज़्यादा इलास्टिन मौजूद होता है, और यही चीज़ उनकी बॉडी को किसी भी पुरुष से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसी रोचक वीडियोस की जानकारी मिलती रहे, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। अगर आपको कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं।